हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अरबिंदो फार्मा शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अरबिंदो फार्मा शेयर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अरबिंदो फार्मा का शेयर जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। इससे पहले ये इस लेवल पे स्टॉक में कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेसिस्टेंस फेस किया, वापस से यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली इस लेवल के ऊपर इस वीक में क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। चलिए अब अगर बात करेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे हम लोगों को स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक रेंज बनाया था, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके बाद जो है यहाँ पे वापस से एक आपको मोमेंटम हुआ, अगेन पुल बैक लिया, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और आज के सेशन में स्टॉक में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को स्विंग ट्रेडिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। चलिए अब लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं और हम लोग जो है यहाँ पे आपको 30 मिनट के बेसिस पे ही इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है, जो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन हुआ था, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक रिटेस्ट भी किया और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हुआ। अगेन यहाँ पे पुल बैक हो चुका है, वापस से स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर 750 के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, 15 या 30 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर वापस से इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे 750 के लेवल के ऊपर, अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव हैं। और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट ले करना चाहते हैं, बिल्कुल कंजर्वेटिवली प्ले करना चाहते हैं, तो फिर आप यहां पे एंट्री लेंगे 765 के लेवल के ऊपर। उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है यहां पे थोड़ा सा डीप हो जाएगा। जितने भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनका एसएल जो है यहां पे कम रहेगा। इन केस अगर आप आपका यहां पे आपका ट्रेड रॉन्ग जाता है तो फिर जो है आपको यहां पे ओनली 15 पॉइंट का लॉस होगा, क्योंकि 735 के नीचे कैंडल क्लोज होने पर ही हम लोग यहां पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन जितने भी कंजर्वेटिव हैं वो जो है यहाँ पे वेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको इस स्टॉक में एंट्री लेंगे जब ये स्टॉक 765 के लेवल के ऊपर निकलेगा। 735 के नीचे का हम लोगों का एसएल रहेगा, 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे जो है 50-60 पॉइंट का हम लोगों का टारगेट होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।